दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के पाकिस्तान के कोच बनते ही सानिया मिर्जा ने दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पाकिस्तान की टीम का कोच बनाने की मांग तेज हो चुकी है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी को कोच बनता देख कर सानिया मिर्जा के होश उड़ गए हैं और सानिया मिर्जा ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक ऐसा सनसनी मचा देने वाला बयान दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के कोच बनने के बाद सानिया मिर्जा ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम में बड़ा बदलाव करने की मांग तेज हुई थी। इसी बीच भारत की जगह पाकिस्तान के कोच बनाने की मांग धोनी के लिए तेज हो गई है और ऐसे में सानिया मिर्जा ने धोनी का समर्थन करते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जिसमें सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी का कोच बनना काफी हैरान कर देने वाला फैसला है। ऐसे में एमएस धोनी को भारतीय टीम का कोच बनाने की बात तेज हो चुकी है, लेकिन जब पता चला कि एमएस धोनी को भारतीय टीम का कोच नहीं बनाया जा रहा है तो मैं भी हैरान हो गई। लेकिन अब मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की टीम ने एमएस धोनी को कोच बनाने के लिए अपना नाम आगे किया है और ऐसे में लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कोच ना बनाकर पाकिस्तान का कोच बनाया जा सकता है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के कोच बन जाने से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी बड़ा बदलाव हो जाएगा और कुछ खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको शायद टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अलग अंदाज से कप्तानी करना जानते हैं और टीम को अलग तरीके से संगठित करके जीत दिलाने का काम करते हैं, जो आपने और मैंने कई सालों से देखा भी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि एमएस धोनी के अंदर काफी ज्यादा काबिलियत है और एमएस धोनी ने सदा भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है और दुनिया में अपना नाम काबिज किया है। महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ हर कोई करता है क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शन देखने को मिला है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। एमएस धोनी ने पूरी दुनिया में भारतीय टीम को नंबर वन बनाने का प्रयास किया था, जिसको बनाने में वो सफल भी साबित हुए थे। हालांकि अब महेंद्र सिंह धोनी टीम में नहीं है तो भारतीय टीम काफी ज्यादा खराब दर्शन कर रही है। ऐसे में भारतीय टीम के कोच ना बनने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम के बजाय पाकिस्तान का कोच बनाया जा रहा है तो उससे तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एमएस धोनी को पाकिस्तान की टीम अपने टीम मैनेजमेंट से बाहर कर देगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देकर वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास करती दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को कोच बना देना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।